सबसे ज्यादा 855 चलाने में आता है, जो इसकी आवाज है ना। अच्छा। वो उसमें बहुत स्वाद है इसकी आवाज। अच्छा, 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 अच्छा। आ भाया मजा है। अरे फिर नीचे ले गया यार। तो क्या हुआ मैं बताता हूँ, भी आपको शायद आपने देख ही लिया होगा। तो शायद आपने देख लिया होगा, मैंने भाई से बोला कि यार ट्रैक्टर का धुआं निकलवाओ एक बार, तो उन्होंने लांग दूसरी लाइन में से उठा उठा के दूसरी लाइन जहाँ पे ट्रैक्टर आ रहा था उस लाइन में फेंक दिया, जिससे आपने देख ही लिया ट्रैक्टर का कैसे धुआं निकलने लग गया था। मतलब मान के चलो एक लाइन में डबल हो गया लांग, इस वाली का उठा के भी दूसरी में फेंक दिया था। ठीक है जी, हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज आपके सामने है जी स्वराज 855 4x4। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि 4x4 फाइव स्टार में जो 4x4 में 855 है वो 58 हॉर्स पावर में है, लेकिन नहीं दोस्तों ये गलत है। वैसे तो कंपनी कभी दावा नहीं करती इस चीज़ का, जहाँ तक मेरे को लगता है बहुत हुआ तो 50 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, सॉरी 55 एचपी का होगा, इसके ऊपर का नहीं है। शाम का टाइम है, थोड़ा लांग में सीलन भी आ गई, देखते हैं क्या करता है। चेक करो दोस्तों, रीपर है जी गोविंद का। तो जहां तक मेरे को नॉलेज है स्वराज ट्रैक्टर 855 फाइव स्टार टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव का जो इंजन है वो लगभग क्या बिल्कुल ही सेम है, बनावट वगैरह बिल्कुल सीसी पावर। अगर मैं आपको इसकी पावर की बात करूं तो दोस्तों अगर इसकी इंजन की पावर की बात करें तो 55 HP 3307 CC और PTO पावर है जी इसकी 44.7 लगभग 45 HP की PTO पावर हमारे को इसमें मिल जाती है जी। ठीक है दोस्तों, ट्रैक्टर बहुत ही पसंद किया जाने वाला ट्रैक्टर है, शो बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी, लेकिन अब इसका जो मॉडल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, शो बदल गई है थोड़ी सी। पंजाब साइड में तो आ गए हैं लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ समय में आ जाएंगे। और दोस्तों साथ साथ बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के टॉर्क की। टॉर्क है जी 205 Nm का, 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमारे को इसमें मिल जाता है। ट्रैक्टर दोस्तों आवाज़ और शो पे दिखता है, जोर भी है ट्रैक्टर में, ऐसी बात नहीं, जोर भी बहुत बढ़िया है, लेकिन जो इसकी आवाज़ है और जो इसका लुक है। अच्छा दोस्तों इसमें दो तरह के आते हैं, एक बेवल गियर वाला होता है, प्लेनेटरी टाइप होता है, ये प्लेनेटरी गियर वाला फ्रंट एक्सल है इसका। आपको लांग दिखाया था बस दोस्तों, जैसी ट्राली भरती है
तो बात करेंगे ड्राइवर साहब से, लेकिन दोस्तों सीजन का टाइम है, एक एक मिनट कीमती होता है, इसलिए पहले रोकना सही नहीं है। ट्राली भरेगी तो रोकेंगे, ठीक है, फिर बात करेंगे डीजल वगैरह खर्चा क्या है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जो पहले वाली लाइनें थी ना, वो छोटे रोक की पड़ी थी, कभी लांग आता था कभी नहीं आता था। अब ये लाइन चेक करो, इसमें बिल्कुल बराबर लांग पड़ा हुआ, पता चलेगा ट्रैक्टर की पावर का क्या कितना जोर मारता, ठीक है जी। अब आवाज़ निकलनी शुरू हो गई है ट्रैक्टर की, पूरी भरी हुई लाइन पे चल के। अब आया जी लांग का ढेर, देखते हैं क्या बनता है। अच्छा भाई साहब बात सुनो, एक तो ड्राइवर साहब हो होगा, दूसरे कौन है? तो आप हो थोड़ा यार बताओ ट्रैक्टर के बारे में, एक आपके पास और कौन कौन से हैं इसके अलावा ट्रैक्टर? अर्जुन है। एक अर्जुन है, अच्छा ये वाला, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ जी, रीपर पे ट्रैक्टर कौन कौन से चलाए हैं अब तक आपने? रीपर पे अर्जुन भी चलाया है, अच्छा जॉन डीयर भी चलाया है, अच्छा और सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? स्वराज में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, स्वराज 855 में। यार एक बात कहूँ, मैंने ना कई ट्रैक्टर की वीडियो बना चुका कंप्यूटर करा पे भी, एक बंदा क्या कह रहा जी, बैठा सोनाली का पे रहे, कह रहा चलाने में मज़ा आता है 855, एक 585 पे बैठा वो भी 855 कह रहा, लेकिन यार इसकी चलाई में कोई फ़र्क है ना? इसका स्वाद बहुत है चलाई में ना इसकी। तो क्या खासियत बताओ इसके बारे में कोई? खासियत ये है कि रिपर पे हो, हाँ चाहे जमीन जोतने पे हो, अच्छा जी ये कहीं अटकता नहीं है। अच्छा हाँ जी ठीक है ठीक है। और आवाज़ अर्जुन की और इसमें इसकी बढ़िया लगती है? अर्जुन के अर्जुन भी चलाया, मगर मज़ा सबसे ज़्यादा 855 चलाने में आता है, जो इसकी आवाज़ है ना, अच्छा वो उसमें बहुत स्वाद है इसकी आवाज़। अच्छा अच्छा अच्छा, जब बीन बजती है। हाँ जी हाँ जी, सारे यही कहते हैं कि भाई जब खेत में चलता है तो सांप नाचता है। हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है। अच्छा डीजल खर्च का बताओ थोड़ा सा, है खा जाता है घंटे का 7 लीटर ये 7? हाँ जी 6-7 लीटर खा जाता है। अब जैसे लांग थोड़ा सा नरम है, ज़्यादा खा रहा होगा? हाँ जी इसमें ज़्यादा खा रहा है, इसमें मार जाता है 9 लीटर। हाँ जी सिस्टम लांग गीला है ना, नरम है ना, लांग नरम है, सही कह रहे हो। हाँ नहीं तो एक टंकी इसकी फुल करवा के जब लांग सूखा होता है तो 18-19 टाली बनाता है। अच्छा हाँ जी देखो बहुत बढ़िया यार, लेकिन ट्रैक्टर की आवाज़ बता रही है लांग सीजन होगी और शाम का टाइम है, शाम का टाइम है यार एक तो है ना। चलो ठीक है यार बढ़िया। कितने दिन हो गए शुरू करा? अभी कल परसों ही करा होगा, फिर अभी शुरू हुआ काम? कल ही करा, कल चालू करा रिपर। और फिर राजा ना अभी यहाँ पर कंपेन अभी परसों लगी थी, कोई धूप नहीं लगी, एक दिन का टाइम मिला खाली। चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जी इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।